नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत कक्षाओं में हमने समास प्रकरण हमारा जो चल रहा था उसमें समास परिचय, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास को जान लिया था। आज हम बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, पहले अब तीसरा नंबर किसका है? द्वंद समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद समास क्या है? जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहां पर कौन सा समास हो जाता है दोस्तों? द्वंद समास हो जाता है। यानी कि पूरे पद में, समस्त पद में, इस समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, दोनों पदों की प्रधानता हो जाती है, उसे हम द्वंद समास कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है। इसके विग्रह में क्या होता है? च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशच्च। ठीक है ना, लवश्च कुशच्च। ठीक है ना, तो इसका क्या बन गया? लव कुशो। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना, और इसमें च का प्रयोग होता है, लवश्च कुशच्च। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, यहां जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता किसकी है? कुश की है। क्योंकि इस समास में हमारे दोनों पद जो है वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो जैसे लव की प्रधानता होगी उसी प्रकार से कुश की भी प्रधानता होगी। ठीक है ना दोस्तों, देखिए द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं। द्वंद्व समास के कितने रूप माने गए हैं? दो। ठीक है ना, इतरेतर द्वंद और दूसरा कौन सा है? समाहार द्वंद। पहला कौन सा है दोस्तों? इतरेतर, और दूसरा कौन सा है? समाहार। ठीक है ना, इसके बाद में अपन कौन सा पढ़ेंगे? इतरेतर द्वंद। इतरेतर द्वंद को देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है। यानी कि जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ जो है क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? हम इतरेतर द्वंद कहते हैं। यानी कि इस समास, इतरेतर समास में समस्त पद का, समस्त जो दोनों पद हैं उनका क्या होता है? अर्थ जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है ना, उसे हम इतरेतर समास कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है। और क्या होता है इसमें? कि समस्त जो पद है उसमें संख्या के अनुसार द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है दोस्तों, किंतु लिंग परिवर्तन, परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। लिंग कैसा होता है? परिवर्तन, परिवर्तन, परवर्ती या उत्तरवर्ती के अनुसार इसका क्या होता है? लिंग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने द्वंद समास में दोनों पदों की, समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता को बता दिया है। उसके बाद में इतरेतर समास में क्या है? इसमें समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? समस्त पद में संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, लिंग परिवर्तन, परवर्ती या उत्तरवर्ती के पद के अनुसार होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन इसके उदाहरणों को देखते हैं। देखिए,
पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती च परमेश्वरश्च, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, पार्वती परमेश्वरो, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि इसमें क्या हो गया, द्वंद समास में क्या आता है, च आता है, ठीक है। तो इसको पूर्ण रूप से क्या लिख देंगे हम, पार्वती परमेश्वर रस्य, पार्वती परमेश्वर रस्य, तो इसका हो गया पार्वती परमेश्वरो, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया इसका, पार्वती परमेश्वर। दूसरा देखिए, रामस्य कृष्णस्य, ठीक है ना, रामस्य कृष्णस्य, इन दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, च आ रहा है ना, तो इस च के बाद में क्या करेंगे, रामः कृष्णो, तो हमारा पूर्ण वाक्य बन गया दोस्तों, रामः रामः कृष्णो, ठीक है ना। तीसरे की ओर चलते हैं अपन, धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। तो इसको अपन ने पूर्ण वाक्य बना के क्या लिख दिया, धर्मार्थ काम मोक्षः, धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य, तो इसका हो गया धर्मार्थ काम मोक्षः, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, सीता च रामस्य, सीता और कौन है इसमें, राम है, तो सीता रामो, सीता रामो, ठीक है ना। पुत्रस्य कन्यास्य, पुत्रस्य कन्यास्य, तो इसमें क्या हो गया, पुत्र कन्ये, पुत्रस्य कन्या में क्या हो गया दोस्तों, पुत्र कन्ये, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, राधास्य कृष्णस्य, राधास्य कृष्णस्य, तो इसमें क्या हो गया, राधा कृष्ण, यानी कि हमने धनस्य जनस्य यौवनस्य, यानी कि धन जन और यौवन, ठीक है ना। इसमें भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है, और इसमें धन जन यौवन, इन तीनों चीजों को एक साथ बता दिया है। यानी कि हमारा द्वंद समास क्या कह रहा है कि इसके दोनों पद जो हैं, इसके दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, और इसमें च का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने इनको क्या कर दिया, पार्वतीश्च परमेश्वरश्च, तो पार्वती परमेश्वरो, ठीक है ना। उसके बाद रामस्य कृष्णस्य, रामस्य कृष्णस्य, तो राम कृष्णो, ठीक है ना दोस्तों। हमें धर्मस्य अर्थस्य कामस्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, सीतास्य रामस्य सीता रामो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, पुत्रस्य कन्यस्य, तो उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, पुत्र कन्ये, राधास्य कृष्णस्य, तो राधा कृष्णो, और धनस्य जनस्य यौवनस्य, तो धन जन और क्या हो गया, यौवन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसी का जो दूसरा भाग है द्वंद समास का, वो कौन सा है, द्वंद समास का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है, समाहार द्वंद, कौन सा भाग है, समाहार द्वंद क्या कह रहा है, देखिए, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, जहां पर क्या होता है, अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वह कौन सा होता है, समाहार द्वंद
होता है, यानी कि अनेक बहुत सारी जो वस्तु हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, समूह में दिखाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, समूह की प्रधानता कर रहे हैं। समाहार द्वंद में क्या होता है, समूह को हम बताते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए आहारश्च निंद्रा च भयम् च इति एषां समाहार। ठीक है ना, तो इसमें क्या बता दिया, आहार भी बता दिया, निद्रा भी बता दी, भय भी बता दिया, यानी कि इसमें बहुत सारे जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनको क्या कर दिया इन्होंने, जोड़ दिया है, और देखिए समूह करके समूह बना दिया है उनका, तो इसका क्या हो गया, आहार निंद्रा भयम। ठीक है दोस्तों, इसका हो गया आहार निंद्रा भयम, आहार निंद्रा भयम। पाणी च पादो च, पाणी यानी हाथ, पादो यानी पैर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पाणी पादम, यानी कि समूह बना रहा है यहां पर। यथा यवाश्च चणकाश्च, तो या इसका क्या बन गया, यव चणकम, यव चणकम। पुत्रस्य पौत्रस्य, तो इसका वर्ग है पौत्र पुत्र पौत्र पुत्र पौत्रम। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि पुत्रस्य पौत्रस्य पुत्र पौत्रम। उसके बाद देखिए द्वंद समास के संदर्भ में कुछ विशेष जो बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला देखिए ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, यानी कि ह्रस्व इकारांत हो तथा ह्रस्व उकारांत पद को पद हो को उकारांत पद को समस्त पद में क्या करते हैं, पहले चाहे इकारांत हो चाहे उकारांत हो, इन इन पदों को समस्त पद में क्या करेंगे, पहले रखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए यथा वायुश्च सूर्यश्च। ठीक है, वायुश्च सूर्यश्च, तो इसका क्या हो गया, वायु सूर्यो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, द्वंद समा द्वंद में स्वरादि और ह्रस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है। अब दूसरा जो वाक्य पद अपन करेंगे उसमें क्या कह रहा है कि स्वरादि और ह्रस्व अकारांत पद को पहले क्या करा जाता है, रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यथा ईश्वरश्च कृष्णश्च, यानी कि इसमें क्या हो गया, ईश और कृष्ण। ठीक है ना, और इसके बाद में देखिए इसमें क्या कर रहा है, स्वर आदि को क्या कर रहा है, पहले रख रहा है, तो ई क्या है, स्वर है, तो और ह्रस्व कारांत पद को अभी क्या करते हैं, या तो ह्रस्व को रख लो या स्वरादि, दोनों में से मतलब पहले रखते हैं इनको। ठीक है ना दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं, कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, यानी कि जिसमें कम स्वर वर्ण होते हैं उसको क्या किया जाता है, पहले रखा जाता है। ठीक है ना, देखिए रामश्य केशवश्य। ठीक है ना, तो इसको क्या किया हमने, राम केशव, क्या कह रहा है ऊपर, कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, तो रामश्य केशवश्य, तो इसका क्या हो गया, राम केशव। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर वाले पद को भी क्या करते हैं, पहले रखते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर वाले पद को भी क्या करेंगे, पहले रखते हैं। देखिए कुशश्य काश्य, तो ह्रस्व स्वर कौन सा है, उ। ठीक है ना दोस्तों, उ, तो इसमें क्या लिखा है, कुश काशम, कुशश्य काश्य, तो इसमें छोटा हुए ना, तो ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है ना,
तो कुशक्ष का सृजन, तो इसमें क्या हो गया कुश काशम, ठीक है ना। श्रेष्ठ या पूजा पदों का प्रयोग पहले होता है। अब चौथा जो इसमें बताया है वो क्या बताया है कि श्रेष्ठ पूजा पदों का प्रयोग क्या होता है पहले होता है, ठीक है ना। तो देखिए यथा माता च पिता च, माता च पिता च, तो इसका क्या हो गया माता पितरो, माता पितरो, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग क्या करते हैं पहले करते हैं। पिता की अपेक्षा माता को अपन क्या करते हैं अधिक मानते हैं या अधिक पूजते हैं, और माता को हमारे प्रथम गुरु भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसलिए, और अब हमारा जो द्वंद समास था इसमें हमने क्या क्या देख लिया, मतलब विशेष में रस्वी का रंग रस्सू का रंग से पहले क्या रखा जाता है, तो इसमें क्या बन गया वायुष्य सूर्यस्य, तो वायु सूर्य, ठीक है। स्वरादि और रस्व का रंग पद को पहले रखते हैं तो क्या बन जाता है ईश कृष्णो, और रामस्य केशवस्य तो इसका क्या बनेगा राम केशवो, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में रस स्वर वाले पद को पहले रखते हैं तो क्या बन जाएगा कुशस्य काश, तो कुश काश, ठीक है ना दोस्तों। श्रेष्ठ पूजा पदों में माता च पिता च, तो माता पितरो, यानी कि पिता की अपेक्षा हम माता का अधिक पूजनीय मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो चौथा जो समास है उसकी ओर चलते हैं। अब तक की मतलब हमने तीनों समासों के बारे में जान लिया, द्वंद में इतरेतर और समाहार दोनों को जान लिया है। इसके बाद में हम बहुव्रीहि समास जो हमारा है उसकी ओर हम चलते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में क्या होता है पूर्व पद क्या होता है, ये हमारा कौन सा समास हो गया दोस्तों, देखिए बहुव्रीहि समास, ये हमारा कौन सा समास है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, तो इसमें क्या है जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं प्रधान ना हो करके किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहेंगे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में पूर्व पहले वाला उत्तर बाद वाला उत्तर बाद वाला दोनों पद जो है पूर्व का और उत्तर पद जो है दोनों पद में प्रधान न हो करके और किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। विग्रह करते समय इसमें यश सह आदि लगाया जाता है, विग्रह करते समय दोस्तों क्या लगाया जाता है इसमें यश सह, ठीक है ना। यानी कि इसमें पहला पद और बाद वाला पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद की इसमें प्रधानता होती है और इसमें विग्रह करते समय यश आदि लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं हम, देखिए उदाहरण जो है हमारे वो महान तो बाहु यश सह, तो इसका क्या हो गया महांतो बाहु यश, यानी कि महाबाहु, ठीक है ना। तो महाबाहु कौन है विष्णु, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा पहला जो उदाहरण है उसको हम देखते हैं महांतो बाहु यश, तो इसमें क्या हो गया महाबाहु कौन है विष्णु है, महाबाहु कौन है दोस्तों विष्णु, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दस आननानी यश, तो इसका क्या हो जाएगा दस आनन किसके हैं रावण के, यानी कि दस आनन कौन है रावण है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए
पीतम अंबरम यशिषः। तो कौन है पीतांबर, जो जो पीले वस्त्र धारण करे हुए है, ऐसा कौन है? तो यह है कृष्ण। ठीक है ना, पीतांबर किसको कहते हैं? कृष्ण को हो। ठीक है, चक्रपाणो यशः, चक्रपाणो यशः। तो चक्रपाणी कौन है? जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है ना, वो कौन है चक्रपाणी? विष्णु। ठीक है ना, चक्रपाणी कौन है दोस्तों? विष्णु। ठीक है, चक्रपाणो यशः, चतवारी मुखानी यशः, चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। चतवारी मुख किसके हैं दोस्तों? ब्रह्मा जी के। तो इसका क्या हो गया? चक्रमुखः, चतुर्मुखः, चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए शूलं पाणो यशः। तो जिसके हाथ में त्रिशूल है वो कौन है? शूलपाणी है। शूलपाणी कौन है? भगवान शिव है। ठीक है, तो इसका क्या बन गया अपने? शूलपाणी, शूलपाणी यानी भगवान शंकर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चंद्र एव मुखम यशा सा, यानी कि उसका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान मुख वाली है। तो वो कौन है? चंद्रमा, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी नारी, चंद्रमा के समान मुख वाली नारी। ठीक है ना दोस्तों, देखिए पाषाण वतः हृदयम यस्य सः। तो पाषाण हृदय वाला कौन होता है? पत्थर के हृदय वाला कौन होता है दोस्तों? पुरुष। पुरुष जो होता है वो पत्थर के हृदय वाला होता है, यानी कि उसका हृदय जो है वो कठोर होता है, और स्त्री का जो हृदय वो कोमल होता है। तो इस समास में हमारे क्या बताया गया? पाषाण वतः हृदय यशः, पाषाण हृदय वाला कौन है? पुरुष है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए कमलम एव नेत्रे, कमलम एव नेत्रे यशः। तो कमल नेत्र, जिसके बहुत सुंदर नेत्र है, यानी कि सुंदर आंखों वाला, कमल के समान आंखों वाला। ठीक है ना दोस्तों, चंद्रशेखरे यशः, यानी कि चंद्रशेखर कौन है? जिसके सिर पर चंद्रमा धारण है उसे हम क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जिसके हृदय पर, जिसके सिर पर चंद्रमा धारण है वो चंद्रशेखर है। वो कौन है? वो हमारे भगवान शिव है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने इसमें महतोबाहु महाबाहु वाला कौन है? विष्णु है। दस आननानि यशः, दस सिरों वाला यानी कि दस मुखों वाला कौन है? तो रावण है। और इसके बाद में पीतम अंबरम यशः, तो पीतांबर कौन है दोस्तों? पीतांबर हमारे भगवान कृष्ण है। चतवारी चार मुख किसके हैं? चार मुख हमारे ब्रह्मा जी के हैं, यानी चतुर्मुख। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा है। चक्रपाणो यशः, चक्रपाणो यशः, तो जिसके हाथ में चक्र धारण है, चक्र का पाण, जिसके हाथ में चक्रपाण यानी जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहेंगे? विष्णु कहेंगे। ठीक है ना, और शूलपाण यशः, जिनके हाथ में, हाथ में कौन है? त्रिशूल है, वो हमारे भगवान शिव है। चंद्र एव मुखम यशः, यानी कि चंद्रमुखी जो है वो चंद्रमा के समान जो मुख वाली जो नारी है उसे हम क्या कहेंगे? चंद्रमुखी कहेंगे। और पाषाण वतः हृदय यशः, तो पाषाण हृदय वाला कौन है? पुरुष है। ठीक है ना दोस्तों, कमलम एव नेत्रे यशः, तो इसका कौन है? कमलेन नेत्र, सुंदर आंखों बाला, कमल के समान नेत्रों बाला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए चंद्रशेखर यशः, तो इसमें कौन है? चंद्रशेखर हमारे जो भगवान शिव हैं, उन्होंने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
एक विशेष जो है, एक शेष जो है वो देख लीजिए कि जहां अन्य पदों का लोप हो करके एक ही पद शेष बचे उसे क्या कहते हैं, एक शेष कहते हैं। यानी जहां पर और सभी जो पद हैं उन सब का लोप हो करके सिर्फ एक ही बचे, सिर्फ एक ही क्या बचे, शेष बचे, वहां पर क्या होता है, एक शेष होता है। यह समास से भिन्न क्या है, व्रत। ये भी क्या है, ये समास से एक भिन्न जो है वो व्रति है। देखिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं, बाल कश्य किसमें, एक दो तीन, कितने पद दे रखे, एक दो तीन। लेकिन ऊपर हमारा नियम क्या कह रहा है कि अन्य पदों का लोप करके सिर्फ एक ही पद क्या करना है, शेष होता है, वो क्या होता है हमारा, एक शेष होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इन सभी का लोप करके एक पद लिखना है, तो बाल का ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, एक शेष में पुलिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुलिंग पद ही शेष रहता है। इसमें क्या है दोस्तों के एक शेष में पुलिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुलिंग पद ही क्या होता है, शेष रहता है। तो इसमें देखिए, माता च पिता च, तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों में से कौन सा पद रहता है पुलिंग और स्त्री में, पुलिंग ही शेष रहता है। तो माता च पिता च, तो इसमें हो गया पितरो। दुहिताश्च पुत्रश्च, तो इसमें दुहिता और पुत्र में क्या हो गया, पोत्रो। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमने एक शेष में भी जान लिया, एक शेष में दो नियम जान लिए, जहां एक शेष बचे वहां पर हमें एक ही पद करना है, और उसके बाद हमने पुलिंग और स्त्रीलिंग में से पुलिंग को ही शेष रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने आज की जो कक्षा है उसमें द्वंद्व समास में इतरेतर समाहार द्वंद बहुव्रीय समास को जान लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुव्रीय में हमने एक शेष को भी मतलब विशेष रूप से जान लिया, एक शेष क्या है और एक शेष में पुलिंग और स्त्रीलिंग पदों में क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।